या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 319। यारी मदद, थोड़ा ऊंचा कर, اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قيام چارے چارے جگ ماہ فری فری جو چارے چارے جگ امام پہ صلوات پڑھو دین دارو والے۔ یہ گنان بہت پرانا نہیں ہے، مولانا شاہ حسن علی ماں باپ کے زمانے کے اندر یہ سید محمد شاہ تھے، ان کو محمد دولہ بھی کہتے ہیں۔ میں یہاں ایک خلاصہ کر دوں کہ پیر حسن کبیر دین کے ایک پوترے کا نام بھی محمد شاہ تھا، جو امام شاہ کے فرزند تھے۔ ان کو لگ بھگ 400 برس ہو گئے، مگر یہ جو محمد شاہ دولے تھے، یہ 18-19 برس کی عمر میں بمبئی میں فوت ہوئے، اور جہاں بمبئی کے اندر درگاہ محلہ ہے، کانڈی محلے سے یعنی کریم آباد سے آپ جب بڑے جماعت خانے جاؤ تو رستے کے اندر اپنا جو قبرستان ہے اس کو درگاہ محلہ کہتے ہیں، وہاں یہ دفن ہیں۔ انہوں نے بہت تھوڑے گنان رچے، میں نے عرض کی کہ 18-19 سال کی عمر میں گزر گئے، مگر بڑے عابد تھے، بڑے طاقت والے تھے۔ بدن کی طاقت تو نہیں تھی کیونکہ بہت دبلے پتلے تھے، اور قد بھی بہت لمبا نہیں تھا، میڈیم سے تھوڑا چھوٹے قد کے تھے، مگر ہما وقت عبادت میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو جلال اور روب تھا وہ بہت تھا۔ اسماعیلی دائی تھے، مگر میمن لوگ ان کو بہت مانتے تھے، پارسی بھی مانتے تھے، دوسری قوم کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، مرہٹے بھی ان کے مریدوں میں سے تھے، لیکن جو میمن قوم تھی وہ ان کو بہت چاہتی تھی، اور میمن بہت زیادہ تعداد میں ان کو مانتے تھے۔ گزر گئے، اسماعیلی تو ان کے پاس جاتے نہیں تھے، کیونکہ اسماعیلیوں کا تو شاہ پیر حسن علی شاہ اور پیر علی شاہ موجود تھے، مگر یہ جماعت خانے آتے تھے، گنان بولتے تھے، اور امام کے حکم سے ان کے گنان بھی جماعت خانوں میں بولے جاتے تھے، وعظ بھی کرتے تھے۔ مگر میمنوں نے جب یہ سنا کہ یہ گزر گئے، تو نارملی چونکہ وہ ہمارے پیر کی اولاد میں سے تھے، اس لیے جماعت نے ان کے غسل اور دفن کا انتظام کیا، غسل کر کے دے کے جب جنازہ تیار ہوا اور جنازہ اٹھانے کی بات آئی تو میمن لوگ پہنچ گئے کہ یہ ہمارے پیر ہیں، اور اب تمہارے پیر کہاں سے ہوئے؟ پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے، اسماعیلی ہیں۔ نہیں، جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو مکھی بھاگے واڑی میں، اس وقت امام سلطان محمد شاہ کے دادا شری
हसन अली शाह इमाम रहते थे, मौला के हुजूर में गए, अर्ज की कि खुदावंद ये झगड़े की बात आ गई, हमको मेहमान लोग जनाजा नहीं उठाने देते सैयद मोहम्मद शाह का। मौला हंसे, मुखी छोड़ दो तुम उनको जनाजा उठाने लो। खुदावंद देखो मुखी, वो ये कहना चाहते थे कि हमारे इस्माइली पीर हैं, मगर मौला ने बोलने नहीं दिया। देखो मुखी, वो जनाजा नहीं उठा सकेंगे, तुम छोड़ दो हट जाओ। मुखी साहब आए, अपने जवानों को कहा ए किसी भी ना, अपने जवान हट गए। चार बड़े बड़े पहलवान जैसे मेमन भाई आए, अभी वो हल्के फुलके थे, मैं नहीं समझता, मैंने को उनको देखा नहीं है, मगर उनकी जो तस्वीर देखी है मैं नहीं समझता कि वो 100 रत्तल के भी होंगे। दुबले पतले थे, छोटा कद था, 18-19 वर्ष की उम्र थी। अब ये जो चार जवान आए मेमन भाइयों के, तो जनाजा उठा न सके। चार और आ गए, जनाजा उठा न सके। चार और आ गए, 25-30 आदमी एक जनाजा न उठा सके, और वो भी एक दुबले पतले आदमी का। मुंह लाल हो गए, जमीन के साथ जैसे वेल्डिंग कर दी हो गए, इस तरह हो गया। जब ये 25-30 आदमी इनके जवान भी इतनी देर लगाई, कोशिशें की, मुंह लाल हो गए जोर लगा के, जब ना उठा सके तो मेमनों के जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने जवानों को बुला लिया, ए पांजो कम न आने, हट जाओ। अपने मुखी ने चार छोकरों को कहा उठाओ, तो उठा लिया, पीछे हट गए। हमने उनको दफन किया क्योंकि वो हमारे थे। कितना मीठा गिनान कथा है उन्होंने। एक तो इस गिनान के अल्फाज बहुत अच्छे हैं, दिल में उतर जावे। दूसरा इसका राग भी बहुत अच्छा है। और सैयद इमाम शाह, सैयद मोहम्मद शाह जिन्होंने ये गिनान फरमाया, वो खुद भी जमात खाने में आते थे तो झूमते झूमते ये गिनान बोला करते थे। तो एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कराची आए और उनके हुजूर में ये गिनान पढ़ा गया। 2-3 पाठ पढ़े गए, उसमें तो एक ये पाठ था, जे जे मांगू ते तू ही दे, ए वाला जलनावे साहेब जी तू मोरे मन। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लकड़ी के ऊपर ऐसा दो हाथ की उंगलियां मिला के ऐसा बैठे हुए थे, और जब ये पाठ उस लड़की ने बोला तो लकड़ी को ऊंचा नीचा करके कहते थे, अलबत्ता जो मांगोगे हम देंगे। ये इमाम की शान है। मैं अभी अभी आपके यहाँ के दूसरे बड़े जमात खाने के अंदर वाज करके आया कि हम लोग नहायत ही खुश नसीब हैं, हमारे अंदर हजरत इमाम है। एक बाप और माँ से ज्यादा प्यार करने वाला हमारा इमाम है। हकीकत में क्योंकि वो इस दुनिया का इंसान जैसा नहीं, वो आले रसूल है, अल्लाह का खलीफा है, उसमें इमामत का नूर है, इसलिए उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। एक दफा मौला के प्यार की बात करूं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कपूरथला गए। यह बात डायमंड जुबली से पहले की है। कपूरथला में पंजाब की जमात इकट्ठी हुई,
कपूरथला का जो महाराजा था उसने सारे शहर में मुनादी कराई कि जो इस्माइली आए हैं वो मेरे मेहमान के मुरीद हैं, आगा खान साहब मेरे मेहमान हैं, इसलिए उनके जो मुरीद हैं वो भी मेरे मेहमान हैं। तो इस बात की मुनादी की जाती है सारे शहर में कि इस्माइली कुछ भी खाएं, पैसे मत लो, उसको लिख लो और मेरे खजाने से तुमको उसे पैसे मिल जाएंगे। टांगे वालों को और टैक्सी वालों को हुक्म किया गया कि इस्माइली जहां भी जाएं उनको ले जाओ, उनसे पैसे नहीं लेना। 4000 से ज्यादा इस्माइली गए उधर और सारे शहर ने उनकी मेहमान नवाजी की। जब मौला पंडाल में आए तो ऐसा मौला एक एक को देखते रहे, एक एक को, औरतों में भी मर्दों में भी। माता सलामत साथ थे उस वक्त, बेगम उम्मे हबीबा उनके साथ थे। मौलाना सुल्तान अहमद शाह ऐसा फिर के एक एक को देखते रहे, फिर वापस इस तरह से एक एक को देखते रहे। फरमाते हैं मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा दिल चाहता है कि तुम एक एक को, मेरे रूहानी बच्चे को मैं बुलाऊं और मैं अपनी गोद में बिठा के प्यार करूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, कितनी प्यार जैसी चीज इसमें है। इमाम की मोहब्बत का ख्याल करो कि वो अपनी मजबूरी जाहिर करता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मैं ये नहीं कर सकता कि तुम बहुत हो, मैं तुम्हें एक एक को अपनी गोद में बिठा के तुम्हें प्यार करूं। कितना प्यार होगा उसको, दुनिया में कौन है ऐसा कि जो हमारे इमाम की तरह अपने मुरीदों को इतना चाहता होवे कि वो अपनी दुनियावी औलाद से भी ज्यादा अपने मुरीदों को प्यार करता है। मौला एक दफा फरमाते थे कि दुनिया के जितने भी माँ बाप हैं उन सब की मोहब्बत उनकी औलाद के लिए जो है उसको इकट्ठा करो तो भी मैं तुमको ज्यादा प्यार करता हूं। मौला फरमाते हैं मैं जितना प्यार करता हूं तुम इतना प्यार मुझे नहीं कर सकते। हकीकत है, खुदा के नामों में एक नाम है अलवदूद। अलवदूद का जो नाम है खुदा के इस मुबारक नाम में एक ताकत है। अलवदूद का मतलब है प्यार करने वाला, इसका एक और मतलब भी है प्यार देने वाला। मैं अपनी वाजों में कभी कभी खुदा के इन पाक नामों का जिक्र किया करता हूं क्योंकि ये पाक नामे हैं, इनमें दवा है शफा है। खुदा के नामों में दवा है, हमारी बहुत सी बीमारियों की दवा है। अब यही नाम ले लो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वाकया सुनाया कि इमाम हमें कितना प्यार करता है। खुदा का नाम जो है अलवदूद उसका मतलब यही है, और हकीकत में खुदा हमको बहुत प्यार करता है। हम कमजोर हैं, गुनहगार हैं, हम खुदा के प्यार की कदर नहीं करते, समझते नहीं। वो परवरदिगार हमें बहुत प्यार करता है। खुदा ने कहा है कि मैंने अपने ऊपर अपनी रहमत लाजिम कर रखी है। खुदा खुद कहता है कि मैंने अपने ऊपर अपनी रहमत को लाजिम कर दिया है, कि मैंने कसम खा ली है, इरादा कर लिया है कि मैं हर हालत में रहमत करूंगा। यह मोहब्बत की निशानी है, यह उसके प्यार की निशानी है। तो ये जो नाम है ना अलवदूद, कभी कभी मेरे पास भाई बहन मिलते हैं तो मिशनरी साहब मेरा लड़का है वो मेरी सुनता नहीं, मिशनरी साहब मेरा शोहर मेरी सुनता नहीं,
حسن علی صاحب میرا باپ میری سنتا نہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے دل ایک نہیں ہیں، گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فساد بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے من دکھ ہیں، وہ تو انسان کی نیچر اور فطرت میں آ جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً گھر میں نا اتفاقی جھگڑا وغیرہ ہوئے تو یہ بری نشانی ہے. یاد رکھو جس گھر کے اندر محبت نہیں، جس گھر میں اتفاق نہیں، اس گھر میں برکت نہیں رہتی، برکت بھاگ جاتی ہے. جس طرح سے آگ کے اوپر پانی رکھنے سے پانی اڑ جاتا ہے، اسی طرح سے نا اتفاقی کی جو آگ ہے اس آگ سے برکت بھاگ جاتی ہے. اگر جو کبھی ہم خدا کے اس نام کی تسبیح نکالیں، یا ودود، نام ہے الودود، لیکن جب ہم یا کہتے ہیں تو اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں، اے مولا، یا علی، یا اللہ، یا وہاب، تو یا کا مطلب ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کرنا ہے جیسے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. یا ودود، 101 دانے کی تسبیح اگر ہم یہ کریں تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ خدا کی محبت ہمارے میں زیادہ ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے لیکن ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئے. دوسرا، گھر کے اندر میاں بیوی، بیاہ بیٹا، بہن بھائی، بھائی بھائی، ہمارے گھر میں، خاندان میں، کٹمب میں محبت بڑھنے لگتی ہے. دلوں کی غلطیاں، دلوں کی کمزوریاں، دلوں کا حسد دور ہو جاتا ہے. تو خدا تعالیٰ بہت پیار کرنے والا ہے. اب جو ہمارے نبی یا ہمارے امام ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خدا کا نور ہیں، اس لیے جتنے خدا کی نور میں قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ تمام اثرات ہمارے نبیوں اور ہمارے اماموں میں رہے. کوئی بھی نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، ہر نبی 124,000 جو نبی تھے وہ سب کے سب محمد ہی کا نور تھے، اس لیے وہ ہمیں بہت چاہتے ہیں. بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بار بار ریپیٹ کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کہ اس میں مولا کا پیار ہوتا ہے. سلطان محمد شاہ نے جیسے کہا کہ دیکھتا رہا اور اس طرح دیکھتا رہا کہ جیسے کوئی مجبور آدمی ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں میں کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اتنے بہت ہو کہ میں تم کو ایک ایک کو اپنی گود میں بٹھا کے پیار کروں. اس میں کتنا پیار نظر آتا ہے. ایک لڑائی ہوئی، نبی کے زمانے کی بات کرتا ہوں. رسول اکرم ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان تو جیت گئے تھے اور وہ جو کافر تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، آپا دھاپی پڑ گئی، زخمیوں کو اٹھایا جاتا تھا، کئیوں کو قید بنایا گیا. اس میں ایک ماں کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا، وہ ماں مسلمان نہیں تھی، ہارے ہوئے پارٹی کی ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا، 2-2.5 برس کا بچہ تھا، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا ہے. وہ بے ہوشی کی حالت میں، یعنی یوں تو بھاگ رہی تھی، یہاں میرا مطلب بے ہوشی کے ارد گرد کی اس کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا. وہ اپنے بچے کے غم میں، اپنے بچے کے خیال میں بے تحاشا ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، منہ پہ ہوائیاں چھوٹی ہوئی ہیں، اس کی وہ دوپٹہ اتر گیا ہے، حال بے حال ہو گیا. رسول پاک کے سامنے سے 2-3 دفعہ وہ عورت اس طرح نکلی. حضور نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، اس طرح دوڑ رہی ہے؟ عرض کی سرکار اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. 2-3 آدمیوں کو فرمایا جاؤ اس کی مدد کرو. ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا،
हालांकि वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन रहमतुल आलमीन, खुदा की रहमत जो है वो काफर पे भी उतरती है, मोमन पे भी उतरती है, लेकिन चूंकि काफर का जो दिल है कुफर से भरा हुआ है, इसलिए रहमत असर नहीं करती। बारिश तो सब जगह गिरती है, बगीचे में जब बारिश गिरती है फल फूल खिल उठते हैं, यही बारिश जब गंदी जगह के ऊपर गिरती है तो बास और भी निकल आती है। लोगों ने मदद की, बच्चा मिल गया। अब वो औरत जाने लगी तो उसको बोले नहीं नहीं, पहले रसूलुल्लाह की खिदमत में चलो ताकि उनको पता लगे हमने मदद करके तुम्हारा बच्चा मिला दिया। डरती भी थी, खुश भी हुई कि मेरा बच्चा मिल गया। नबी करीम के सामने उसको लेके आए, घुटनों पे बैठ के उसने अदब किया। नबी कहने लगे ये तेरा बच्चा है? जिगर से लगा के कहती है हाँ। हुजूर कहते हैं अगर हम इस बच्चे को आग में डाल दें, ओह इतना सुनना था, तो वो यूं महसूस करने लगी कि जैसे मैं आग में जल रही हूं, क्योंकि लड़ाई का वक्त था। नबी उस वक्त फातह की हैसियत से सिपे सालार बन के बैठे थे, उसके मुंह से निकल जाए कि इसको आग में डाल दो तो कौन बचाने वाला है। यूं सुनना कि नबी फरमाते हैं अगर हम इसको आग में डाल दें तो औरत की तो जान निकल गई, जमीन पर बैठ के सजदा किया, इतना विलाप किया, रोई, कहती है इसको नहीं मुझे आग में डाल दो। उसकी ममता देख के, मां की जो मोहब्बत है वो खुदा के प्यार का एक सैंपल है। इसीलिए रसूल पाक फरमाया मां के पांव के नीचे जन्नत ढूंढो, मां के पांव के नीचे जन्नत है, यानी मां जैसा प्यार इस दुनिया में इंसान नहीं कर सकता। नबी करीम ने उसकी हालत देख के हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, उसको फरमाया जाओ जाओ हमने तुम्हें माफ किया। असहाबों को फरमाया तुमने देखा एक मां का प्यार कि वो किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को आग में डालने के लिए तैयार नहीं बल्कि खुद जल जाने के लिए तैयार है। तुमने देखा मां का प्यार? नबी रो पड़े, रोते रोते फरमाते हैं तुमको खुदा की कसम खा के कहता हूं कि जिसके कब्जे के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जान है, खुदा अपने बंदों को इतना प्यार करता है कि वो किसी भी हालत में अपने बंदों को दोजख में गिरने नहीं देगा। ये अलवदूद, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत पैदा करने वाला, ये खुदा की मोहब्बत है। उसने अपने बंदों को मोहब्बत से बनाया है। खुदा दुख नहीं देता, हम खुद ही भूल करके गुनाह करके दुखों में पड़ते हैं। याद रखो खुदा कभी किसी को दुख नहीं देता। ऐ मोमिनो, आपकी इस कराची की 1.25 लाख की जमात के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो ये कह देते हैं कभी कोई दुख आता है तो या तो वो खुदा को ब्लेम करते हैं, इल्जाम रखते हैं, और या ये कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, उसने कुछ कर दिया। अरे नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, तुम ही ने कुछ किया है, तुम्हारे आमाल ऐसे हैं इस वजह से दुख में गिरते हो। अरे खुदा की मौजूदगी में, खुदा है ना हर जगह,
खुदा की मौजूदगी में कोई इंसान किसी को दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। कभी किसी के ऊपर मत करो कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे ऊपर जादू किया, उसने कुछ मुठ मारी या उसने कुछ नजर फेंकी। नहीं दीनदारों, हम इस्माइली तो बिल्कुल नहीं मानते इन चीजों को। इन ये चीजें अपने मन में से निकाल डालो कि आपको किसी ने नजर लगाई है या का जादू किया है। अगर आपके ऊपर किसी ने मान लो कि जादू किया भी है, अगर आपका ईमान, आपकी इबादत, आपकी नेकियां मजबूत हैं, तो आपको सारी दुनिया के जादूगर मिलके भी आपका बाल टेढ़ा नहीं करेंगे। खुदा हमें प्यार करता है, और खास तौर पे इस दुनिया के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर वो पाक कदमों वाला इमाम जो इलाही नूर है, वो हमारे ऊपर इस तरह से साया हुआ है कि जिस तरह कभी कभी एक मुर्गी अपने छोटे चूजों को परों के नीचे समेट लेती है, कभी भी कोई चील या कौआ ऊपर से निकलता है तो वो ऐसी आवाज लगाती है कि सब भाग के अपनी मां के परों के नीचे छुप जाते हैं। मौला ऐसा है, वो बड़ा प्यार करता है, इसलिए आप भी उसको बहुत प्यार करो ताकि उसकी शुक्रगुजारी होए। वो प्यार करता है, ठीक है, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी में हम जब उसको चाहते हैं तो वो बहुत खुश होता है। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत लागी, या मौला तेरी मोहब्बत मेरे दिल में। अब का जो लफ्ज है ना, अब तेरी मोहब्बत लागी, इसका मतलब यह है कि मोहब्बत जाहिर हो रही है, और यह मोहब्बत जब जाहिर होती है तो इंसान के इर्द गिर्द सारे हालात बदल जाते हैं, ख्याल बदल जाते हैं, आंखों की रोशनी बदल जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, ख्यालात पाक हो जाते हैं, और फरिश्तों के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। मजहब तो बड़ी ही प्यारी चीज है, मजहब को चख के तो देखो, और वो भी इस्माइली मजहब के जो नबियों का तरीका और फरिश्तों का दीन है, जिसमें हाजर जोमे का धनी बैठा हुआ है। सारी दुनिया देख लो, कहीं भी ऐसा इमाम, ऐसा गुरु, ऐसा मुर्शिद किधर नहीं है, कहीं नहीं। 1964 में हजर इमाम यहां कराची में थे, दिसंबर महीने में, और उस वक्त केनिया में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं एक दफा जिक्र कर चुका हूं इधर ही किसी जमात खाने में, केनिया में गड़बड़ हो गई, एशियन लोगों के दिल बहुत उठ गए। हालांकि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ने जो कहा तो वो एशियन के लिए कहा, हम भी एशियन में आ गए, अपनी जमात बहुत अपसेट हो गई। मौलाना हजर इमाम ने कराची का प्रोग्राम दो दिन कमती कर दिया, और ये दो दिन साहब नैरोबी आए। नैरोबी साहब खड़े हैं, माइक को हाथ से पकड़ा है, गले में चेन डाला हुआ था, उस चेन से दूसरे हाथ से खेल रहे हैं, निहायत ही ऐसी इत्मीनान के साथ मौला खड़ा था कि महज उसका चेहरा देख के दुख भुलाए गए। मेरे रूहानी बच्चों, मेरे को पता लगा कि तुम लोग थोड़े अपसेट हो गए हो, बेचैन हो गए हो, इसलिए मैं पाकिस्तान का प्रोग्राम दो दिन कम करके तुम्हारे पास आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं कि तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं। मौला कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं। फिर साहब कहते हैं आई विल वरी फॉर यू, तुम्हारी फिक्र मैं करूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। कितने इत्मीनान देने वाले, तसल्ली देने वाले अल्फाज हैं। हजरत इमाम जैसा मालिक वो हमारे लिए इस तरह से कहे
چونکہ وہ نور ہے، چونکہ وہ امام ہے، چونکہ وہ سچا ہے، چونکہ وہ حق ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے اور اس کے کہنے میں سچائی ہے. یہ حضر امام، اس کے پاس بے حساب دولت ہے، بہت بڑی عزت و آبرو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے اندر اس کی کوئی سلطنت دنیاوی طور پہ نہیں، لیکن جہاں جاتا ہے دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے پریسیڈنٹ اس کو عزت دیتے ہیں. اس کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے چند لاکھ اسماعیلیوں کے لیے دکھ اٹھاتا پھرے؟ کیا پڑی ہے؟ آرام سے موج نہ کرے. لیکن ایسا مولا کہ بے حساب عزت والا دنیاوی نظر سے دیکھتا، پھر بھی اسماعیلیوں کے لیے کتنے دکھ اٹھاتا ہے. آپ کو معلوم نہیں مومنوں، 24 گھنٹے کے اندر حضر امام 2 گھنٹے بھی بدن کا آرام نہیں لیتے، 2 گھنٹے بھی نہیں. وہ جدھر بھی جاتا ہے ہماری بھلائی کے لیے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے. اگر اس نے آغا خان فاؤنڈیشن بنائی ہے تو اپنے لیے نہیں بنائی، ہمارے لیے بنائی ہے. اگر اس نے ادھر یونیورسٹی بنائی اور آغا خان ہاسپٹل بنائی اور اتنے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تو وہ ہمارے لیے. اگر اس نے یہ ٹورسٹ پروموشن ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی